नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में पहले चरण का चुनाव प्रचार थमा, 13 मई को 4 सीटों पर चुनाव। झारखंड में 4 लोकसभा सीटों के लिए 13 मई 2024 को मतदान होगी। राज्य के पलामू, खुट्टी, लोहरदगा और सिंहभूम सीट के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से विभिन्न मतदान केंद्रों पर होगी। बता दें कि राज्य के 4 संसदीय सीटों के लिए 13 मई को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। चौथे चरण में 64,37,460 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनमें 32,29,480 पुरुष और 32,07,938 महिला मतदाता हैं। सबसे अधिक मतदाता पलामू संसदीय सीट में हैं। यहां मतदाताओं की संख्या 22,38,460 है। वहीं लोहरदगा में 14,36,351 और सिंहभूम में 14,41,841 और खुट्टी में 13,20,808 मतदाता 13 मई को अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। शनिवार को शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम गया है। चतरा में बोले पीएम मोदी, झामो कांग्रेस नेताओं के ठिकानों से निकल रहे नोटों का पहाड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार को लेकर झामो कांग्रेस व राजद पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि झामो कांग्रेस और इंडी गठबंधन के कारनामे और सोच से देश को बचाना समय की मांग है। झामो और कांग्रेस के नेताओं के ठिकानों से नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं। झारखंड के मंत्री के पीसी नौकर सबके पास जितने रुपए निकल रहे हैं मैंने कभी अपनी आंखों से नहीं देखा। कर्मचारी के घर से जब करोड़ों रुपए मिल रहे हैं तो मालिकों की तिजोरियों में कितना काला धन होगा। कांग्रेस सांसद के पास से तो 300 करोड़ से ज़्यादा कैश मिला है। वहीं नोट गिनने वाली मशीनें हाँफने लगी, यह पैसा किसका है। वे शनिवार को चतरा जिले के सिमरिया में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। पलामू पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 25,000 लीटर स्प्रिट जब्त। पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र के नेरुई बार गांव से पुलिस ने ट्रैंकर, हाईवा व पिकअप जब्त कर लिया है। इन वाहनों से पुलिस ने करीब 25,000 लीटर स्प्रिट बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक घटना शुक्रवार रात 10 बजे की बताई जाती है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि भारी मात्रा में शराब माफिया स्प्रिट लेकर इलाके में आ रहे हैं। पलामू के छतरपुर SDPO नौशाद आलम के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। इस टीम में नौडीहा बाजार थाना के पुलिस को शामिल किया गया। इस संयुक्त कार्रवाई में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। विभागीय पदाधिकारी का कहना है कि शराब माफिया बड़े पैमाने पर स्प्रिट लाकर छतरपुर और नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र के इलाके के गोदाम में रखा जा रहा था। अवैध पत्थर खनन मामला, ईडी के दूसरे गवाह को SDM ने धमकाया, FIR की दर्ज। साहिबगंज में 1250 करोड़ के अवैध पत्थर खनन मामले मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी के अब दूसरे गवाह विनोद जायसवाल पर प्राथमिकी दर्ज हुई है। विनोद जायसवाल ने ईडी को इसकी जानकारी दी है और अपने साथ घटित कहानी बयां की है। उन्होंने बताया है कि साहिबगंज के मुंडली मौजा के मंडरो प्रखंड में उनका नेहा स्टोन वर्कर्स नाम से क्रशर प्लांट है। क्रशर संचालन के लिए NGT के मापदंडों को पूरा करने के बाद ही प्रदूषण विभाग ने उन्हें 4 मई 2024 को क्रशर संचालन की अनुमति दी थी। इसकी समाप्ति की अवधि 31 मई 2025 है। इसका पिछले एक सप्ताह से ट्रायल चल रहा था। इसी बीच 8 मार्च की शाम करीब 5 बजे सदर SDM अंगारनाथ स्वर्णकार, मांडरो अंचलाधिकारी पंकज कुमार भगत व मिर्जा चौकी थानेदार रोहित कुमार उनके क्रशर प्लांट पर पहुंचे थे। उन्होंने क्रशर जांच की बात कही। देवघर से श्रावणी मेले में रांची व पटना के लिए चलेगा 180 सीटर विमान। श्रावणी मेला में देवघर से रांची व देवघर से पटना के लिए इंडिगो 72 सीटर की जगह 180 सीटर विमान चलाएगा। देवघर से रांची व पटना आने जाने वाले यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। बता दें श्रावणी मेला में भी देवघर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ जाएगी। इंडिगो के अनुसार अक्सर रांची व पटना की फ्लाइट की सीटें फुल हो जाती है। टिकटों की बुकिंग भी तेजी से हो जाती है। कई यात्री देवघर से पुणे व मुंबई के लिए वाया रांची व पटना की कनेक्टिंग फ्लाइट भी लेते हैं। इस कारण रांची व पटना के लिए 72 सीटें अक्सर फुल हो जाती है। वहीं 1 जून से शुरू होने वाली देवघर बेंगलुरु फ्लाइट की बुकिंग 24 घंटे के अंदर 50% हो गई है। सीएम चंपई खराब मौसम के कारण नहीं पहुंचे खरसावां। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के खरसावां में शनिवार को इंडी गठबंधन की चुनावी सभा में खराब मौसम के कारण सीएम चंपई सोरेन नहीं पहुंच सके। दोपहर करीब 2 बजे के बाद तेज आंधी चलने लगी।
मंच से जानकारी दी गई कि रांची से दो बार हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरने का प्रयास किया, लेकिन खराब मौसम होने के कारण हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका। इसके बाद में झामो कांग्रेस के नेताओं ने चुनावी सभा को संबोधित किया है। सभा को खुट्टी से कांग्रेस प्रत्याशी कालीचरण मुंडा, खरसावा विधायक दशरथ गगराई, जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम समेत अन्य नेताओं ने संबोधित किया है। बता दें, खरसावा के मैक्सी टैक्सी स्टैंड मैदान में इंडिया गठबंधन की ओर से चुनावी सभा का आयोजन किया गया था। चाईबासा में वज्रपात की चपेट से युवक की मौत, 10 झुलसे। पश्चिमी सिंहभूम जिला के झिकपानी थाना अंतर्गत खुद्दा हाथू स्थित ईट भट्ठा में वज्रपात की चपेट में आने से एक मजदूर की घटनास्थल पर ही मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हादसे में 3 महिला समेत 10 लोग झुलस कर घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए सदर अस्पताल चाईबासा लाया गया। चिकित्सकों ने जांच करने के बाद मजदूर को मृत घोषित कर दिया। वहीं सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। मृत युवक की पहचान जयंत बघेल है। बच्चों को सोशल मीडिया में नहीं पुस्तकों में समय लगाना चाहिए, जामताड़ा उपायुक्त। झारखंड शिक्षा परियोजना की ओर से शनिवार को JBC मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में जैक, मैट्रिक व इंटर में टॉप 10 में आने वाले छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र, मेडल व कलम देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ DC कुमुद सहाय, DDC निरंजन कुमार, DEO डॉक्टर गोपाल कृष्ण झा, DSC राजेश कुमार पासवान ने संयुक्त रूप से किया है। DC ने कहा है कि शिक्षक भगवान से भी ऊपर माने गए हैं, इसलिए इस भूमिका को समझें और बच्चों में अच्छा संस्कार डालने की भरपूर कोशिश करें। बच्चों को सोशल मीडिया में समय न देकर पुस्तकों में समय लगाना चाहिए। जो बच्चे अभी जिले के टॉपर हैं, उन्हें अगली बार राज्य का टॉपर बनने का प्रयास करना है। वहीं DDC ने कहा है कि शिक्षक बच्चों की क्षमता को उभारने के लिए पर्याप्त समय दें। अमित शाह पर भड़के सुप्रियो भट्टाचार्य, बोले जहां जहां जाएंगे वहां BJP की हारता है। देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है, 13 मई को चौथा चरण का मतदान है। ऐसे में स्टार प्रचारकों का चुनावी अभियान भी जारी है। पक्ष और विपक्ष के नेताओं का वार पलटवार भी चल रहा है। इसी कड़ी में JMM के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा और कहा है कि अमित शाह का जहां जहां कार्यक्रम होगा वहां BJP की हारता है, उनका भाषा बहुत खराब है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि हम तो चाहेंगे कि अमित शाह लोकसभा चुनाव तक झारखंड में ही रहे, ताकि एक सीट भी BJP नहीं जीत पाए। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि अमित शाह कहते हैं उल्टा लटका देंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं ये झारखंड है, वो धमकी देते हैं। 13 मई को उन्हें जनता जवाब देगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि अमित शाह को हिम्मत है तो कश्मीर में विधानसभा का चुनाव करा कर दिखाएं। अमित शाह भाषा को संयमित रखे, आपकी नानी भी कुछ नहीं कर पाएगी, लड़ना है तो मुद्दों पर लड़े। साथ ही सुप्रियो भट्टाचार्य ने अमित शाह से पूछा है कि वो श्रीनगर क्यों नहीं गए। BD राम ने किया रोड शो, कहा पलामू की तस्वीर बदलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विष्णु दयाल राम ने रोड शो किया है। भाजपा जिला अध्यक्ष ठाकुर प्रसाद महतो की अध्यक्षता में नगर मंडल अध्यक्ष उमेश कश्यप के नेतृत्व में इसका आयोजन किया गया। रोड शो मिनी टेम्पो स्टैंड से शुरू होकर रंका मोड़ होते हुए गढ़देवी मंदिर तक चला, फिर दर्शन पूजन कर मझियाव मोड़ होते हुए इंदिरा गांधी रोड होते हुए बाजार की सभी गलियों में गया। मौके पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थक मौजूद थे। BD राम ने आम आवाम से मिलकर आशीर्वाद मांगा और 3 नंबर में कमल के फूल छाप पर वोट देने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि मेरी कोशिश रहेगी कि पलामू की तस्वीर को बदले, भारत में नंबर 1 पर लाए। गढ़वा में कल्पना सुरेन और मिथिलेश ठाकुर ने किया चुनावी सभा। पलामू लोकसभा सीट को लेकर विभिन्न पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन शनिवार को चुनावी सभा करने पहुंचे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सुरेन एवं गढ़वा के स्थानीय विधायक सह मंत्री मिथिलेश ठाकुर जिला के चिनिया प्रखंड पहुंचे और राजद सह इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी ममता भुइयां के समर्थन में चुनावी सभा की। मंच पर पहुंचते ही कल्पना सुरेन का उपस्थित महिला मोर्चा के द्वारा पुष्प गुच्छा एवं माला पहनाकर स्वागत किया गया। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि पलामू लोकसभा क्षेत्र में इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की जीत होगी। यह तय है कि भाजपा अपनी हार मान चुकी है, भाजपा केवल झूठ बोलकर हिंदू मुस्लिम कर वोट लेना चाहती है। उन्होंने कहा है कि इस बार यहाँ अस्मिता की लड़ाई है।
12 मई से रांची में फुटबॉल का सबसे बड़ा लीग होगा शुरू। रविवार से सत्र 2024-25 के सीनियर डिवीजन फुटबॉल लीग की शुरुआत हो जाएगी। छोटा नागपुर एथलेटिक्स एसोसिएशन की ओर से खेले जाने वाले लीग के सभी मैच पहली बार होटवार के खेलगांव में खेले जाएंगे। CAA के महासचिव आसिफ नईम ने बताया है कि हर दिन दोनों ग्राउंड में दो दो मैच खेले जाएंगे। 32 टीमों को चार ग्रुप में बांटा गया है। सभी ग्रुप में 8-8 टीम को रखा गया है। हर ग्रुप से टॉप दो टीम नॉकआउट के लिए क्वालिफाइंग करेंगी। हर दिन चार मैच खेले जाएंगे। सीनियर डिवीजन लीग के सबसे कम अंक लाने वाली दो टीम रेलीगेट होकर बी डिवीजन में चली जाएगी। पहली बार लीग का आयोजन मई से शुरू कराया जा रहा है ताकि समय पर लीग खत्म हो जाए। पहला मैच मेकॉन व 4S बडाम के बीच खेला जाएगा। गुमला में तीन मतदान कर्मी पुलिस हिरासत में। गुमला पुलिस ने तीन मतदान कर्मियों को हिरासत में लिया है। इन तीनों को गुमला सदर थाना में दोपहर से बैठा कर रखा गया है। शनिवार को तीनों मतदान कर्मी को हेलीकॉप्टर से बिष्णुपुर ब्लॉक के सेरेंग दांग क्लस्टर जाना था। इसके लिए समय निर्धारित था कि हवाई अड्डा स्थित हेलीपैड स्थल पर समय पर पहुँच जाएंगे, परंतु तीनों मतदान कर्मी देर से पहुँचे जिससे वे चुनाव ड्यूटी में नहीं जा सके। इसके बाद वरीय अधिकारियों के निर्देश पर तीनों मतदान कर्मी को पुलिस हिरासत में लेकर थाना में बैठा कर रखा गया है। बताते चले कि हेलीकॉप्टर का समय तय था कि वे गुमला के करमडीपा स्थित हवाई अड्डा के पास उतरेगा। इसके बाद मतदान कर्मियों को हेलीकॉप्टर में बैठा कर क्लस्टर तक पहुंचाया जाएगा। JMM ने एक और नेता को दिखाया बाहर का रास्ता। झारखंड में लोकसभा चुनाव के लिए 13 मई को वोटिंग होनी है। वहीं मतदान से ठीक पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पार्टी में रहकर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। बता दें, कोडरमा लोकसभा संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे JP वर्मा को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने निलंबित कर दिया है। JP वर्मा गांडे विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा में इस आशा में आए थे कि उन्हें कोडरमा से प्रत्याशी बनाया जाएगा। कोडरमा सीट गठबंधन के तहत भाकपा माले के पास चली गई। इससे नाराज हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। कुशवाहा वोटों पर दावेदारी है। इनके चाचा स्वर्गीय रीतलाल वर्मा कोडरमा से भाजपा के सांसद रह चुके हैं। झारखंड की रैली में बोले पीएम मोदी, कांग्रेस राम मंदिर का शुद्धिकरण चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को झारखंड के चतरा में एक चुनावी रैली को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने हाल ही में प्रदेश से बड़ी मात्रा में बरामद हुए कैश का जिक्र करते हुए इंडिया गठबंधन के नेताओं पर जमकर निशाना साधा और उन्हें भयंकर भ्रष्टाचार में लिप्त बताया। रैली में पीएम बोले, देशवासियों के सामने मैं मेरी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूँ। अभी हमारे राष्ट्रपति जी अयोध्या रामलला के दर्शन करने वहाँ पूजन अर्चन करने गई थी। जब वे वहाँ पूजा अर्चना करके आई तो कांग्रेस वालों की 18वीं शताब्दी की मानसिकता, विकृति मानसिकता और पापी मन एक कह रहा है कि अब हम राम मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे। यह बात उन्होंने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही है। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर को गंगा जल से धोएंगे। पीएम ने पूछा, क्या एक आदिवासी प्रभु रामलला के दर्शन करे इसके लिए आपको मंदिर धोना पड़े? ये कौन सी मानसिकता है आपकी? यह राष्ट्रपति का अपमान है, नारी का अपमान है, हिंदुस्तान का अपमान है, प्रभु राम का अपमान है। बोकारो में हिमंत बिस्वा सरमा कांग्रेस पर बरसे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा शनिवार को बोकारो पहुंचे। इसी क्रम में उन्होंने प्रेस से बात की। हिमंत बिस्वा ने कांग्रेस पर तीखे प्रहार किए। शर्मा ने कांग्रेस नेता के उस बयान पर निशाना साधा और कहा है कि कांग्रेस यदि राम मंदिर का शुद्धिकरण कराएगी तो हिंदू चुप बैठेगा क्या? हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस को आड़े हाथे लिया और कहा है कि कांग्रेस का मतलब सोनिया गांधी ही है। उन्होंने कहा है कि पहले यह तो तय हो जाए कि सोनिया गांधी को राम मंदिर में जाने का हक भी है क्या? राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनाया गया है। यदि कोई राम मंदिर को टच भी करेगा तो उसे जेल जाना पड़ेगा। हिमंत शर्मा ने कहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। जमशेदपुर में स्वास्थ्य कर्मियों को बायोमेट्रिक सिस्टम से दो टाइम हाजिर बनाने का निर्देश। जमशेदपुर में काम करने वाले सभी स्वास्थ्य कर्मियों, डॉक्टरों व नर्सों को दिन में दो बार बायोमेट्रिक सिस्टम से हाजिर बनाने का निर्देश स्वास्थ्य विभाग की ओर से दिया गया है। इसमें अस्थाई के साथ आउटसोर्स में काम करने वाले सभी स्वास्थ्यकर्मी शामिल हैं। वहीं इसकी मॉनिटरिंग सिविल सर्जन व अस्पताल के अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज के प्रचार द्वारा किया जाना है।
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अस्पताल व अन्य जगहों पर काम करने वाले कई स्वास्थ्यकर्मी और डॉक्टर समय पर अपनी हाजिरी नहीं बनाते, जबकि विभाग को निर्देशन है कि उन सभी का बायोमेट्रिक सिस्टम से हाजिरी बनाने के बाद ही वेतन देना है। पलामू में बिजली चोरी करते 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। पलामू के मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के अभियंताओं ने विशेष छापेमारी अभियान चलाया। इसमें 8 लोगों को बिजली का अवैध उपयोग करते पाया गया। बिना बिजली कनेक्शन बिजली का उपयोग करने वाले 8 लोगों के खिलाफ मोहम्मदगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बकाया 48,337 रुपये के अलावा सभी 8 लोगों पर 96,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। अभियान में शामिल विभाग के कनीय अभियंता प्रदीप कुमार सिंह ने बताया है कि कामेश्वर राम, महेंद्र गुप्ता, नागेश्वर राम, जमीउद्दीन अंसारी, प्रमिला देवी और विश्वनाथ शर्मा व रहीमुद्दीन अंसारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। उग्रवादियों के गढ़ में हेलीकॉप्टर से मतदान कराने पहुंचे मतदान कर्मी। मन में न कोई आशंका है, न कोई डर व भय, बस हमारा एक ही लक्ष्य है, मतदान कराना। हम चले लोकतंत्र जीतने। 13 मई को शांतिपूर्ण व भयमुक्त माहौल में मतदान कराएंगे। मतदान कर्मियों ने कहा है कि गुमला जिले में पहले नक्सलियों का खौफ था, परंतु समय बदला है। गाँव व जंगल की फिजा बदली तो अब वोट बेकौफ पड़ता है, इसलिए इस बार का चुनाव भी बेकौफ होगा। 11 बूथ के लिए 25 मतदान कर्मी शनिवार को भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से क्लस्टर पहुंच गए हैं। जब मतदान कर्मी घर से निकले तो पहले भगवान की पूजा अर्चना की। परिवार के लोगों ने भी कहा है कि आप जाए और लोकतंत्र जीत कर आए। मथुरा महतो ने बेरमो में चलाया जनसंपर्क अभियान। गिरिडीह लोकसभा चुनाव में JMM जोरदार चुनाव प्रचार कर रही है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मथुरा महतो ने बेरमो में आगामी चुनाव को लेकर जनसंपर्क अभियान चलाया है। बेरमो में कई लोगों से मुलाकात कर वोट देने की अपील की है। उन्होंने गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में विस्थापन, बेरोजगारी और पलायन का मुद्दा बनाया है। बता दें, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी मथुरा महतो ने शनिवार को बेरमो में कई इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बेरोजगारी, विस्थापन और पलायन का मसला उठाया और इसे निपटाने की बात कही। उनका कहना था कि अगर उनकी जीत होती है तो फिर इन मुद्दों को सुलझाएंगे। उन्होंने मतदाताओं से तीर धनुष पर वोट देने की अपील की है। धन्यवाद।